नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो टेक्नोगुरु दीपक यूट्यूब चैनल को। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप गूगल से अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो। जैसे कल 27 जून है, कल आने वाला यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो कि बहुत काफ़ी है, वो 12:30 बजे तक आपके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हो 10th और 12th के। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे पहले कुछ बात जान लीजिए, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। दोस्तों, आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हो और आप चाहो तो अपना कोड और अपना रोल नंबर डालकर भी चेक कर सकते हो। अगर आपके पास रोल नंबर और कोड नहीं है तो दोस्तों आप वैसे भी आप सर्च कर सकते हो अपना नाम जानकर। तो इस वीडियो में अंत तक बन रहना। आज मैं इस वीडियो में गूगल के द्वारा आपको रिजल्ट लाना सिखाऊंगा 2020 यूपी बोर्ड रिजल्ट। दोस्तों, इस बार सभी पास है, आप सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, आप जरूर पास होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ले जाता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद आपको तभी बताऊँगा कि आप किस तरह से यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक कर सकते हो। दोस्तों, ये मेरा चैनल है, इस पर मैं टैक्स रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। मुझे पता है आप स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो या आईटीआई का कोर्स कर रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में आपको टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बताता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम चलते हैं अब अपने फ़ोन के स्क्रीन। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। इसके बाद आपको ओपन करना होगा गूगल या क्रोम। आप गूगल भी ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप क्रोम ब्राउजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप नहीं तो और भी बहुत ब्राउजर है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सिंपली से गूगल पर क्लिक कर देता हूँ। गूगल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक सर्च का आइकन सा दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आप बोल भी सकते हो या क्लिक भी कर सकते हो। दोस्तों, आप इसके बाद इस पर लिख दीजिए, सर्च पर जाने के बाद लिख दीजिए इंडियन रिजल्ट, INDIAN RESULT, इंडियन रिजल्ट। आप इंडियन रिजल्ट लिख दीजिए, उसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए, कुछ इस तरह का है वेबसाइट। दोस्तों, ये थोड़ी देर में लोडिंग ले रहा है। इसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है indianresult.com। आपके सामने ये बहुत सारे वेबसाइट आ चुकी हैं। पहले वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ लिखा हुआ है indianresult.com, फिर ये लोडिंग लेने लगेगा। देखिए, बहुत जल्दी लोडिंग ले लेगा, कुछ वक्त लग रहा है इंटरनेट स्लो के कारण। उसके बाद सिलेक्ट स्टेटस, आप अपने स्टेटस को स्टेट को चेक कर सकते हो। जिस स्टेट का अभी तक रिजल्ट आ चुका है, सिर्फ उसी स्टेट का अभी यहाँ पर शो कर रहा। कल जैसे 27 जून का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो उसमें यूपी बोर्ड भी आ जाएगा। देखिए, जिस कंट्री आ जाएगा, उसके बाद आपको क्लिक कर देना। आप जिस भी कंट्री से हो, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है ऑनलाइन पर, ऑनलाइन इंटरनेट पर, तो आप सर्च कर सकते हो। देखिए, ये क्या indianresult.com, इस पर आप एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। देखिए, इसमें AP, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, MP और भी बहुत सारे स्टेट हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, UP, उत्तराखंड, WA। दोस्तों, यहाँ UP का आ चुका है, अब इसमें टाइम हो चुका है, UP का भी इसमें आ गया है। उसके बाद आपको सर्च करना है आप किस पर है। 10th में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, मैंने उड़ीसा का ले लिया है। इसके बाद इन्फो अबाउट एनुअल एग्जामिनेशन, आपने कब एग्जामिनेशन दिया था 2019 या 20 में, को सिंपली पहला वाला कर देना है क्लिक। 21/5 इसमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इसकी डेट भी आ चुकी है, ये कोई एप्लीकेशन आ गया है, कोई ऐड है, चलो इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखिए, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा जैसे कंप्यूटर या अपने PC में होता है। इसके आपको कुछ इसमें आपको रोल नंबर यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ अपना नाम डालना है, इसके बाद आपको नंबर अपना फ़ोन नंबर डालना है, इसके बाद आपको अपना रोल कोड डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर गो लिखाई दे रहा होगा, गो इस पर क्लिक कर देना है। गो करने के बाद ये सिंपली चली जाएगा, आपका रिजल्ट दिखा देगा। उसका ये है 12th क्लास का, देखिए वो भी इसी तरह से इसमें डालना है। यहाँ पर ये भी उसी तरह का जिसमें 10 की तरह है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले डाल देना है रोल नंबर, फिर उसके बाद नेम, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपको सारो ओपन कर देना, उसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पर बगल में आ जाना है, फिर इसको कर देना गो। गो करने के बाद ये सिंपली आपको ले जाएगा अपने नंबर पर, अकाउंट पर,
जिससे आप अपना नंबर चेक कर सकते हैं, नहीं तो निकाल सकते। odisharesult.com से प्लीज एंटर योर रोल नंबर। मेरे पास अभी रोल नंबर नहीं है इसलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। आप यहाँ पर रोल नंबर डालकर और ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डालकर आप वो कर सकते हो। देखिए कितने सारे इसमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है, हाफ ईयरली, स्टेट ऑफ स्कूल, सर्टिफिकेट्स, इसमें सब दिखाई दे रहा है। इसके बस दोस्तों आपको लिखना है, ये फिल कर देना, उसके बाद आपको वो कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैं सिंपली बैक हो जाता हूँ, इस पर बैक कर देता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देखिए इसमें इन्फो एनुअल HES एग्जामिनेशन 2020 ये प्रथमित समत मैथ स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं यहाँ पर, काफ़ी तरह के आपको दिखाई देते हैं, डेट भी दिखाता है। ये यूनिवर्सिटी के हैं, इसमें आप हाई स्कूल, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो भी है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए यूपी का भी आ चुका है, अब इस पर आप उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर आप अपना भी अपना स्टेट और अपना नंबर देख सकते हो, आप किस नंबर पर आए हो। चलो तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट कर आप अपना वीडियो एंड करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जय हिंद, जय भारत।